दिमाग पर हर वक्त दबाव रहने से या कोई टेंशन रहने से या कोई बात दिमाग पर बैठ जाने से जहन बिगड़ जाता है। इसकी वजह पेचीदा हालात और दिमाग में चल रही बहुत सारी उलझने होती हैं। जब कोई शख्स अपनी दिमागी उलझनों में उलझा रहता है तो वो अपने सोचने समझने की कुव्वत को कम कर देता है और उसका नतीजा ये हो जाता है कि उसका दिमाग बिगड़ जाता है और उसके सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। दिमागी संतुलन को बनाए रखने के लिए, माइंड को एकदम फिट रखने के लिए, टेंशन परेशानी को दूर करने के लिए, फ्री माइंड रहने के लिए मैं आप सभी को एक वजीफा बताऊंगा, एक अमल बताऊंगा। आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, बहुत ही ज्यादा आसान है और आपकी दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। टेंशन, परेशानी और उलझन, दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव रहना और चीजों को रखकर भूल जाना, मुंह से कही हुई बात याद न रहना और हर वक्त किसी न किसी उलझन में उलझे रहना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, इन सभी टेंशनों से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप सभी को एक छोटा सा वजीफा बताऊंगा। दुआ ऐसी बताऊंगा कि उस दुआ को रोगी खुद भी पढ़ सकता है और उसके घर परिवार का कोई भी शख्स उस अमल को कर सकता है। वजीफे को किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा दो। जो कोई शख्स इन सभी समस्याओं से परेशान हो रहा है उसको सुबह सवेरे उठना है सूरज निकलने से पहले और एक प्याला पानी लेना है और उस पानी पर 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम कर देना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 बार उस पानी पर फूंक मार देनी है और वो पढ़ा हुआ सारा पानी रोगी को पी लेना है। और अगर रोगी इस अमल को खुद नहीं कर सकता है तो फिर उसके लिए ऐसे करना है कि एक प्याला लेना है और उस प्याले पर जाफरान से एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है और फिर उसके बाद उस प्याले में पानी भरकर वो सारा पानी उस रोगी को पिला देना है जिसको दिमागी प्रॉब्लम हो रही है, ये सभी समस्या, ये सभी परेशानी हो रही है। जैसे ही रोगी को आप ये पढ़ा हुआ पानी पिलाना शुरू करोगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको फायदा भी देखने को मिलेगा। 41 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, रोगी का ब्रेन एकदम फ्री हो जाएगा, सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, सारी उलझनें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। रोगी इस अमल को अगर खुद करता है तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द और बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आप इसको पढ़िए और फायदा उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना ताकि हर एक शख्स इस वजीफे को पढ़ के फायदा उठा सके। मैं फिर मिलता हूँ आप सभी से एक और नए टॉपिक के साथ।